बच्चा लोग, सोम सर फिजिक्स आराध्य क्लासेस। हाँ, आज दोस्त तेरे लिए बहुत इजी और वेरी मतलब डाउन टू अर्थ टाइप, जमीन से जुड़ा हुआ छोटा मोटा सम है। 11th साइंस फिजिक्स चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है। क्या है? द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुक, ये जो ड्राइंग दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का इसमें गलती से प्रिंट आ गया है, घबराना नहीं। और इसमें 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे ई भी है, वो भी नहीं आया तो मैं बोल दूंगा मुंह से, ठीक है, इजी है। पहले इस सेंटेंस को पकड़ते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइन ऑफ वर्क डन। हाँ, तो इंपॉर्टेंट है ना, हम जानते हैं। देख भाई, वर्क का ये फॉर्मूला है FD cos थीटा, ठीक है। तो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोज में बार बार पढ़ाया है, आज भी फिर से पढ़ा रहा हूँ कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज वर्क इज FD cos थीटा। अब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? जीरो। cos 0 इज 1, दैट इज पॉजिटिव, सो वर्क इज पॉजिटिव। सेम थिंग अगेन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते दोस्त, तब एंगल 180 होता है रे, अपोजिट है ना, तो cos 180, इसकी वजह से आंसर क्या हो जाता है? नेगेटिव, है ना। एक और चीज़, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तब वर्क जीरो होता है रे, cos 90। हाँ, तो इतना बेसिक चीज़ें हमने बार बार टेक्स्ट बुक में पढ़ी है, हमको पता भी है, लेकिन वो एक बार लिखना था ना, वो सेटिस्फाइड टीचर का मन है ना, सेटिस्फाइड नहीं होता है जल्दी, उसको लगता है मेरे बच्चों को भूल गए होंगे तो मेरे बच्चों को नहीं याद होगा, तो ऐसा टीचर को होता रहता है, इसलिए लिख दिया, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अलग अलग क्वेश्चंस और आंसर देते हैं इजीली, कुछ लंबे सॉल्यूशंस नहीं है इसमें। पहला, ए, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। तुमने देखा है बहुत बार पिक्चरों में, नहीं देखते, कुएं में बाल्टी डालते हैं बकेट और दोरी से खींच के निकालते हैं, आ जा भाई। तो इन दैट सिचुएशन वर्क डन बाय द मैन का जो वर्क हुआ वो इजी है, मैन ने वर्क इधर फोर्स इधर लगाया ना, यूं पुल किया उसको, उठाया बाल्टी को, आ जा भाई, ऐसे उठाया मैन ने और वो बकेट भी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन ना, सो वर्क विल बी पॉजिटिव। यस, चलो, तो इन केस ए वर्क इज इक्वल टू FD cos 0, यस, सो इट इज FD, सो इट इज पॉजिटिव वर्क, राइट। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इन द अबो केस, ऊपर वाले केस में। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स नेगेटिव, क्यों? क्योंकि जो भी तेरा बकेट है ना, ये रहा सपोज बकेट मान ले, हाँ, ग्रेविटेशन उसको नीचे खींचेगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है ना, क्योंकि वो जो मैन है वो ऊपर खींच रहा है इसको, तो एक्चुअली बकेट पर ग्रेविटेशन फोर्स तो चल रहा है, चालू है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका अपोजिट हो रहा है, तो इस सीन में थीटा तेरा हो जाएगा 180 डिग्री अपोजिट ना, सो वर्क विल बी नेगेटिव, क्लियर। चल नेक्स्ट सीन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन, ढलान वाला सरफेस ले ले, ये रहा, हाँ, इंक्लाइन प्लेन, इस पर कोई बॉडी है, ये रखा। अच्छा, बॉडी को ऐसे छोड़ेंगे तो वो तो इधर ही मूव करेगा, सीधा नीचे जाएगा, लेकिन दोस्त यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होता है फ्रिक्शन उसका अपोज करता है ना, इसीलिए तो अपने गाड़ी के टायर घिस जाते हैं ना, हाँ, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा। तो बहुत क्लियर केस है कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो वर्क विल बी नेगेटिव, यस। डी, वॉट इज डी? वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे होगी रे? क्योंकि रफ प्लेन है ना, रफ सरफेस है, तो स्पीड रफ सरफेस है, तो जैसे ही छोड़ेगा तो धीमे धीमे स्लो होकर रुक जाएगा, क्योंकि रफ है तो उधर फ्रिक्शन होगा जो उसको रोकेगा। तो देखते हैं सीन पूरा क्या है। देखिए, रहा जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस,
इस पे ये रहा तेरा बॉडी, ठीक है। बॉडी इधर जाना चाहता है यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन फ्रिक्शन उसको इधर लपेट के रखेगा कि रुक जा भैया। तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड रखना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन है, वो धीमे धीमे उसका एनर्जी खाएगा, उसको स्लो करता जाएगा, रोक देगा। फिर भी तुझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए तो तुझे बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स चालू रखना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू अप्लाई द फोर्स कंटिन्यूसली, तो फोर्स चालू रखेगा फिर स्पीड पकड़ेगा, फोर्स चालू रख फिर स्पीड, तो स्पीड पकड़ता रहेगा। तो उस हिसाब से बाहर से हमको फोर्स लगाना है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बोल, अब इसमें क्वेश्चन दो टाइप का हो सकता है। ऐसा बोले कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, लेकिन वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे यही पूछा है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इट इज पॉजिटिव। और मान ले क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है ई, ईजी है, वो यहाँ पे छपा नहीं है, ईजी है। ये जो पेंडुलम का बॉब होता है ना, जैसे जैसे ऑसिलेट होता रहता है, उस पर जो हवा का रेजिस्टिव फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव यार, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है मोशन के, है ना। तो नेगेटिव ई हो गया ना सॉल्व, ठीक है दोस्त। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बाय।